आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। झांसी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज नागरिकता विधेयक को लेकर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नागरिकता कानून बिल मुस्लिम विरोधी बिल नहीं है, यह बिल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई आदि लोगों के लिए है जो वहां उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं और भारत में शरण लेना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी यह कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले उन हिंदुओं को भारत में शरण देकर नागरिकता मिलनी चाहिए जो वहां उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। जो कांग्रेस गांधी का टैग हमेशा इस्तेमाल करती रही है, वही कांग्रेस आज फर्जी गांधी बनकर इस बिल को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की यह अपील है कि कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी द्वारा किए जा रहे प्रचार में जनता ना आए और उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करे। प्रेस वार्ता एक महत्वपूर्ण विषय पर बुलाया गया था। आप सभी प्रेस के मीडिया का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है सपा, बसपा, कांग्रेस के द्वारा, जो सीए जो बिल पास हुआ है, एक्ट जो बना है, उस एक्ट को गुमराह किया जा रहा है, एक झूठा प्रचार किया जा रहा है। और राज्य के अंदर सीए जो कानून बना है वह किसी मुसलमान विरोधी कानून नहीं है। ये केवल कानून सिख, हिंदू, पारसी, जैन और जो ईसाई क्रिश्चियन है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में आए हैं, उनके सम्मान के लिए बिल है, जिनका शोषण होता है। ये बिल एक महत्वपूर्ण बिल है जो कांग्रेस झूठा झूठ प्रचार कर रही है और लोगों को गुमराह करने की काम कर रही है। महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, जो भी सिख जैन प्रताड़ित हो रहा है, ऐसे सभी लोगों को हिंदुस्तान में शरण दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। लेकिन वही गांधी का टेक लगाने वाली कांग्रेस फर्जी गांधी बनकर झूठ का प्रचार कर रही है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि यह बिल मुसलमान विरोधी है। ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये बिल स्पष्ट है। माननीय अमित शाह, माननीय मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है, ये बिल किसी मुसलमान विरोधी नहीं है। जो भी उत्पीड़न हुआ है, जो शिकार हुए, उनके सम्मान के लिए बिल है। इसी कारण राममनोहर लोहिया जी ने कहा और 2004 से 2014 के बीच में मनमोहन सिंह ने कहा है कि ये बिल इस प्रकार के जो भी पाकिस्तान के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी जो भी हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां भयंकर उत्पीड़न हो रहा है, उनके बेटियों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके धार्मिक स्थल तोड़े जाते हैं, वो सभी को हिंदुस्तान में स्थान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए बिल है आवश्यक। इसलिए आपके माध्यम से ही मैं चाहता हूं कि सपा, बसपा, कांग्रेस जो झूठ का मकर जाला और फैला रही है, इसलिए इनके भ्रम में नहीं पड़ना है, शांति के मार्ग पर चलना है और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी के नेतृत्व में शांति का माहौल बनाने रहे। आपके माध्यम से मेरे को करना